जैसी चीज होती है ना उसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं। मीन्स मुझे मालूम है बहुत ठंड है और रोज दिन ब दिन ठंड बढ़ ही रही है, बट ये न्यूज वाले होते हैं ना, जो न्यूज वाले वो इतनी बुरी तरह ठंड बढ़ाते हैं, इतनी बुरी तरह कि एक व्यक्ति सोच कर उठा है कि हाँ भाई ठंड है तो आज चलो दो जैकेट पहन लेती हूँ, चलो आज कैप भी पहन लेती हूँ, कल ज्यादा ठंड होगी मैं ग्लव्स भी पहन लूंगी, टू सॉक्स पहन लूंगी, इतना ही तो कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अब इनकी आप न्यूज हेडलाइन देख पाओ, है न्यूज हेडलाइन, पारा एट द रेट 5.1 कांप उठा मेरठ। अरे भैया अब ऐसी न्यूज सुनकर लगता है अरे भैया बहुत ही ज्यादा ठंड है, तुझे तो पता ही नहीं कंचन कितनी ठंड है बाहर, और घर में बैठे बैठे हम कांपने लग जाते हैं। फिर ऐसी ऐसी हेडलाइन देते हैं, जम गया पानी, जम गया पानी, इतने साल तो मुझे भी हो गए मेरठ में, मैंने तो कभी पानी जमते हुए देखा नहीं। अब ठंड है भाई, अब ठंड में ठंड नहीं पड़ेगी तो क्या गर्मी पड़ेगी, ऐसे जब गर्मी पड़ती है तो आज पारा इतना चढ़ा, आज सूरज ऐसे चमका, आज धरती रेत से सुलगी, व्हाट इज दिस। ठंड में ठंड पड़ेगी, गर्मी में गर्मी पड़ेगी, बारिश में बारिश होगी, खत्म बात। खबरदार हमें ऐसे ऐसे न्यूज से डराया, बाजार देर से खुल रहे हैं, शाम को जल्दी बंद हो रहे हैं, फुल बाजार खुल रहे हैं, कोई जल्दी बंद नहीं हो रहे। हम परसों गए ना बाहर से खाना खा कर आए, खुले पड़े थे बाजार, शहर के कई इलाकों में स्मॉग बनकर छा रहा है कोहरा। अब कोहरा होगा तो छाएगा प्रभु, कौन है ये लोग, कौन? डराने के लिए हम हिम्मत करके रजाई और कंबल छोड़ के सुबह सुबह उठे हैं काम करने के लिए, और ऐसी ऐसी खबरें पढ़ के मन लगता है गलती हो गई भैया, अरे वापस रजाई में चलो। कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छा मौसम है, उठो अपने काम धंधों पे जाओ। साफ सी बात है, इडली तो हो गई है बिल्कुल खत्म, लेकिन मेरा सांभर अभी भी बचा हुआ है, तो मैंने रात को दाल भिगो दी थी, वड़ा बनाऊंगी अब, एक एक चीज यूज करती हूँ मैं, खराब कुछ भी नहीं करती, अब बनेगा वड़ा, अब खाएंगे हम सांभर वड़ा। इडली डोसा खा लिया, इडली सांभर खा लिया, सांभर डोसा खा लिया, अब तीसरी चीज बची थी वो भी खाकर काम खत्म करते हैं। अभी फिलहाल तो मेरी बन रही है चाय, और स्कूल का टाइम हो गया 10 से 2, 9:30 बजे जाएंगे हम। दाल पीस रही थी, अब बना रही हूँ मैं बड़े, अभी कच्चे कच्चे बना के रखे हैं, एक बार फ्राई करा और अभी इन्हें कच्चे कच्चे बना के रखे हैं, मैं दोबारा करूंगी अभी फ्राई, शेप मत जाना, थोड़ा सा ऐसे हाथ पे ले रही हूँ, सर्कल किया बीच में फिंगर से, उसकी शेप दी और कढ़ाई में क्या करो, ये बन रहे हैं ना देखिए, लेकिन इन्हें भी हल्का हल्का बस एक एक बार फ्राई करके उन्हें इन्हें निकाल लूंगी, गैस स्लो पे कर रखा है, क्योंकि अगर तेज ऑयल में करूंगी तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए इनको बहुत स्लो स्लो कर रही हूँ, एक टाइम करके कच्चे पक्के रेडी करके निकाल रही हूँ, अब इन्हें दोबारा करूंगी, तो बच्चे आराम से सांभर के साथ खाएंगे। इसे सेवन थर्टी का हो चाहे 10:30 का चाहे 12 बजे का, कंचन भाग कर ही बस पकड़ेगी आज। फिर मैं अपनी चाय छोड़ के और आलू के पराठे का एक गस्सा भी छोड़ के आई हूँ, पति पीछे पीछे चाय पीते पीते आ रहे हैं कि बस में ही बैठ रही है ना, कहीं घूमने फिरने तो नहीं जा रही, और बस का मैसेज आया था कि आपकी गली में मुड़ गई है, और लिटरली 3 मिनट हो गए हैं मुझे आए हुए, अभी तक मुड़ी नहीं है मेरी बस, कहाँ चली गई बस। स्कूल से आओ और आते ही अगर गर्मा गर्म खाना तैयार मिले तो मजा नहीं आ जाता, मैं आई तो तन में रसोई में लगा हुआ था। जस्ट कह रहा कि प्लेट में डाली थी मैंने मैगी, इतनी सी टेस्ट नहीं करी और इनकी हाथ आ गई, मैं आ गई तो मैंने आते ही मैंने ये नहीं पूछा क्या बना रहा है किसकी, क्योंकि खुशबू तो बाहर तक आ रही थी, तो मैंने इससे कहा वाओ कितना अच्छा लगता है ना कि थक कर आओ आगे गरम गरम खाना मिले, इतना गरम नहीं खा सकती, अरे इतनी गरम नहीं तो है, ऐसे मेरा मुंह देख रहा कह रहा माँ कसम टाइमिंग है तुम्हारी क्या बढ़िया बनाई है। मेरा बेटे को पता था उसकी माँ आ रही है तो उसने खाना तैयार रखा, टेस्टी लाल मिर्च डाल वाल के, वाओ मिर्च
मैंने तुम लोगों को ये रजाई और कंबल इसलिए दिया था कि ठंड हो रही है। हाय राम, हालत देखो बिस्तर की, हमारे बिस्तर की हालत, अंश की हालत, अंश के कपड़ों की हालत। इधर तन्मय अंश, हुआ क्या एकदम? मैं अभी तक तो सब ठीक था। अंश का फोन नीचे गिर गया। अंश राधे, मुझे एक बार मुझे पलंग की हालत है, पलंग अलग हो गया भैया, पलंग अलग हो गया तन में। अच्छा जो मम्मी, जो माँ से प्यार, मेरा तो डायलॉग भी पूरा नहीं हो रहा। जो माँ से प्यार करता है वो नहीं लड़ेगा, जो माँ से प्यार करता है वो नहीं लड़ेगा। हाँ, कोई प्यार ही नहीं करता माँ से। पलंग अलग हो गया, गद्दे अलग हो गए। अंश बहुत हो गया, अंश 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 छोटा है तो तू ऐसे करेगा? तन्मय की हालत करा, अंश आए भैया। मेरे चप्पल जूता कहाँ? मेरा फेंक के मारा मैंने भी। किसे मारा? हाय रब्बा, हो क्या गया? किया क्या था अभी तुम दोनों को? हुआ क्या था? गर्मी चाहिए थी। अच्छा, ये गर्मी करने के लिए तुमने ये इतना सारा तांडव मचाया था कमरे में? गर्मी लग रही थी, लग रही थी। ये सांभर वड़ा खाओ, चलो गरम गरम ये भी है। मैं वही सोच रही कि मैं भी 2 मिनट के लिए सांभर वड़ा गरम करने गई हूँ, इतने में इन दोनों को हो क्या गया है? कह रहे ठंड लग रही थी, थोड़ी गर्मी आ गई। सही है, जो मसाज मिली है ना। क्या कर रही हो? चीनी कड़ू वाली खोलो, दो मैं खोलू। हटो हटो, दो मुझे, दो मैं खोलू। लो ये पकड़ो। चीनी में चाय सूख गई, सड़ गई चाय मेरी, जल्दी कर। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, ऐसे। अरे मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, नहीं खुल रहा। कल मेरे को चीनी गिरी। वाह, क्या पता नहीं आज क्या हो रहा है। पहले चीनी का डिब्बा फंस गया, वो नहीं खुल कर दे रहा था, तब मैंने खोला और अभी मिक्सी फंस गई है इसके अंदर, यहाँ पर फंस गई है। अब मैंने चटनी पीसी और ये मिक्सी निकल ही नहीं रही, बुरी तरह फंसी पड़ी है इसके अंदर। बहुत कोशिश कर, ये फंस गई इसके अंदर बहुत बुरी तरह से, दुनिया हिला दी इसने मेरी। पढ़ते हुए जरूर लगती है इसे भूख, अभी जबकि है टाइम थोड़ा सा डिनर में, अभी 7 बजे, अभी तन्मय ट्यूशन गया है, इसे भूख लग गई। मेरा दिल समर्पित है। इतना सा दिल, इतना छोटा सा दिल, देखो जी छोटा सा दिल, लिटिल हार्ट। बहुत बढ़िया बिस्किट है ये, है ना? अरे हमारे कॉलेज में मिलता है जिम जैम। हम जिम जैम खाते हैं कॉलेज में। पहले मिलते थे, अब इधर मिलने बंद हो गए हैं। उसके बीच की जैम, हा हा हा, बड़ा कम होने तूने। बिस्किट, नमकीन, क्रैक्स, ये सब चीजें इसके आसपास रखी रहती हैं। इसे पढ़ते पढ़ते भूख लगती है। इसमें बड़े छोटे का क्या लेना देना, मेरी शक्ल तो दिखाओ। हाँ गुड भाई, लग रहा हूँ छोटे बालों में। मैं तो पहले ही कह रही थी मैं लंबे करूँगा फिर से। छोटे चंगे लग दे, छोटे वाल रखिया कर,
मेरा तू ही तूता है, तू अपना ख्याल रखिया कर। जो लोग देखेंगे ना वो लोग यूं हिल जाएंगे, किधर की तरफ देखो फोन यूं हिला दिया। फोन हिल गया अब मेरे उल्टे हाथ से नहीं पकड़ना, अब मैं यूं आऊंगी तो मेरा लड़का नहीं आएगा, बताओ ये कोई तरीका थोड़ी है। हाँ जी तो हो गया, तन्मय आ गए ट्यूशन से, सब आ गए घर और खाना वाना बन गया है। तन्मय आकर गया था सो, थक गया था ना बहुत ज्यादा, हो गया सो, अब सो गया तो उसकी रोटी नहीं बनी, अब मैं उसके लिए बना रही हूँ स्पेशल रोटी, क्योंकि हम सब ने तो खा लिया है, बस तन्मय रह गया है। बस तन्मय को खाना देकर हम लोग भी जाएंगे निंद्रा अवस्था करने। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, सुना या नहीं सुना सब करिए। बाय, टेक केयर।